कैल्केरिया कार्बोनिका 200 पोटेंसी के बारे में आज हम दो तो विस्तार से डिस्कशन करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कैल्केरिया कार्बोनिका दो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बनने वाली मिनरल किंगडम की एक बेहतरीन मेडिसिन है। कैल्केरिया कार्बोनिका की अगर इंडिकेशन की बात की जाए या फिर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, कैल्केरिया कार्बोनिका टोटैलिटी बेस मेडिसिन है और ज़्यादातर आमतौर पर कैल्केरिया कार्बोनिका जो है तो बच्चों के अंदर और हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्केरिया कार्बोनिका जहाँ पर कैल्शियम की कमतरता होती है और टोटैलिटी अगर मैच होती है केस की तो वहाँ पर जो है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 पोटेंसी यानी कि एक इन्फिनिट सिमिल पोटेंसी जिसको हम कह सकते हैं वो वैल्यू में आती है और 30 पोटेंसी की अगर बात की जाए तो उसकी अलग वैल्यू आ जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आप नाकामी का ट्रीटमेंट बनाते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स ज़रूरी है और इसके लिए एक बेहतरीन डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अगर आपके आसपास कोई बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है और आपको जो है तो गुंजाइश लगती है कि मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपके लिए खुशखबरी भी है। डिस्क्रिप्शन में हमने डॉक्टर का नंबर दे दिया है और आप उससे कॉन्टैक्ट करके अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसके ज़रिए जो है तो आप उनके ज़रिए जो है तो होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेल्फ मेडिकेशन होम्योपैथी के अंदर बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन जो है तो घातक और हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बात समझ में आ गई होंगी और जो है तो आपको ये कैल्केरिया कार्बोनिका हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए काम कारामद मेडिसिन है और जो बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारामद मेडिसिन है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो आप जो है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही जो है तो आप जो तो कैल्केरिया कार्बोनिका होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।